अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हील डेप्थ। और आज हमारे पास जो गाड़ी मौजूद है वो है टोयोटा एक्वा। इसका हम रिव्यू करते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो गाइज ये है हमारे पास गाड़ी का फ्रंट लुक। फ्रंट लुक में सबसे पहले आपको एक तो टोयोटा का लोगो मिल जाता है और उसके नीचे ब्लैक कलर की ग्रिल्स। ग्रिल्स का साइज काफी छोटा है कंपेयर टू अदर कार्स। और जो इसका लोगो है वो भी ब्लूइश सा कलर का, इसके अंदर आपको एक फिनिशिंग मिलती है लोगो के अंदर। लाइट्स की बात की जाए तो लाइट्स जो है हमारे पास इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और काफी ज्यादा इनकी अच्छी रोशनी है और ये एडजस्टेबल भी हैं, गाड़ी के साथ आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉग लैंप्स जो हैं वो भी कंपनी फिटेड हैं, मतलब आपको लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको तो आइडिया होगा कि जैपनीज कार में ये सब चीजें तो एक आम सी बात है। साइड पे हमें हाइब्रिड का लोगो मिल जाता है और ये गाड़ी अगर आप इसको देखेंगे तो काफी ज्यादा राउंडेड है, इसमें कर्व्स भी जो है बहुत कम है। और इसके जो अलॉय का साइज है वो 13 इंच है। ये मुझे जो है इन्होंने मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट लगवाए आए थे लेकिन वो दूसरे थे। अगर हम बैक लुक की बात करें, बैक लुक की तरफ चलें तो इसकी जो लाइट्स हैं इसमें जो आप आजकल नहीं आ रही हैं लाइट्स, वो थोड़ी सी चेंज है। ये क्योंकि पुराना मॉडल है इसमें लाइट्स जो है सबसे पहले एक्वा की जो शेप पाकिस्तान में आया है वो यही वाला है। यहाँ पर हमें जो है जो राइट साइड पे आपको एक हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव इसका लोगो मिल जाता है और टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां हैं इसमें आपको सब में ये मिलता है। बैक साइड पे भी आपको वही जो है ब्लू कलर की फिनिश में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। और बम्पर्स अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये दो इनमें कर्व्स भी मौजूद है। और लेफ्ट साइड की अगर हम गाड़ी की तरफ आते हैं तो सेम उसका प्रोफाइल वैसा ही है। ये गाड़ी जो है ये कीलेस एंट्री में नहीं आती, ये वाला मॉडल। इसके अलावा जो इसके मॉडल्स हैं वो जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स हैं वो कीलेस एंट्री में आते हैं। उनकी जो ग्रिल्स आपको मैंने दिखाई थी वो भी स्पोर्टी होती हैं और इनमें एक अर्बन और एक स्पोर्ट वेरिएंट आता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। सो गाइस ये है गाड़ी का इंटीरियर। गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया इस वक्त। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि स्टेयरिंग कंट्रोल्स नहीं है क्योंकि ये जो है वेरियंट बेसिक वेरियंट है। उसके बाद अगर फिर भी इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एसी के कंट्रोल्स हैं, ये यहाँ से एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं और बाकी यहाँ से फैन स्पीड और यहाँ से जो है फॉग लाइट का ऑप्शन है, यहाँ से फॉग लाइट का ऑप्शन है और यहाँ से रियर लाइट का ऑप्शन है। ये इसके अंदर दूसरे ट्रिप वगैरह जो मीटर पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो मीटर पे जैसे ये टोटल कितनी चली हुई है ये आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि मतलब टोटल गाड़ी की माइलेज अभी क्या है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्क थी, ये तो चेंज हो चुका है मीडिया प्लेयर। और बाकी बैक कैमरा वगैरह का व्यू यहाँ से आपको रिवर्स कैमरे में नजर आएगा। बाकी ये इसका इंटीरियर, आप इंटीरियर की क्वालिटी देखें तो काफी अच्छी है। एसी के वेंट्स जो आजकल नई गाड़ियों में आ रहे हैं बिल्कुल वैसे हैं। और यहाँ पर आपको जो है एक वैनिटी वेरर मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे गाड़ी की लाइट्स के बारे में देखें तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। बाकी इससे आप जो है एसी को कूल और हॉट टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं। बाकी इसका जो गियर है वो एक ऑटोमेटिक गियर है और ये जो है वेरिएंट इतना ज़्यादा इसके अंदर जो है आपको 2-3 वेरिएंट मिल जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसका जो आर्मरेस्ट है वो
आर्मरेस्ट मतलब नहीं है इस गाड़ी में, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया। बाकी आप इसके यहाँ पे दो मोड्स आपको नजर आ जाते हैं कि यहाँ पे इको मोड है, ठीक है, और यहाँ से ये ईवी मोड है। इको मोड में जो है आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी नॉर्मल रहती है, और ईवी मोड में जो है बहुत अच्छी हो जाती है। गाड़ी की लेग स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी की लेग स्पेस मुझे काफी ज्यादा कम लगी, मे बी बैटरी की वजह से जो कि इसके सीट के नीचे माउंटेड होती है, और मैंने सीट जो है फुल पीछे भी नहीं की हुई थी फुल, और ये जो बंदा बैठा हुआ है इसकी हाइट भी नॉर्मल है। गाड़ी की बूट स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी की बूट स्पेस मुझे कम लगी। अगर आप इसका साइज देखें गाड़ी का, तो कल्टस और जो दीगर हमारी गाड़ियां हैं वो उसका साइज छोटा होता है, लेकिन उनकी बूट स्पेस मुझे इस गाड़ी की भी उतनी ही फील हुई जितनी के उन गाड़ियों में होती है, मे बी बैटरीज की वजह से, बट बूट स्पेस कम है। सो गाइस, ये जो टोयोटा एक्वा है ये इस वक्त जो इसकी मार्केट वैल्यू है, जो अगर ये फ्रेश इम्पोर्ट हो रही है वो तकरीबन 32-33 लाख रुपए तक की इम्पोर्ट हो रही है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो मतलब पुराने वेरिएंट्स हैं वो अराउंड 21-22 लाख रुपए के करीब मिल जाएंगे। इसके अंदर जी आर एल तीन वेरिएंट्स हैं, और भी इसमें छोटे छोटे वेरिएंट्स मतलब छोटे छोटे चेंजेस के साथ वेरिएंट्स के नाम चेंज भी हैं। जैसे इसके अंदर एक अर्बन वेरिएंट भी है, ठीक है, इसके अंदर जो है एक अर्बन वेरिएंट को स्पोर्ट वेरिएंट भी कहते हैं, ठीक है, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर आपको जो है जो अर्बन वेरिएंट है उसके अंदर आपको थोड़ा स्पोर्टी टाइप का टच है उसके अंदर, और जो इसके अंदर फिर एक स्पोर्ट्स वेरिएंट है उसके अंदर आपको लो प्रोफाइल रिम मिल जाते हैं, थोड़ी सी उसके आगे से ग्रिल्स चेंज है, ठीक है। इसके बाद जो है बाकी ये जी आर एल मुख्तलिफ वेरियंट्स के, जिस तरह ये वेरियंट है इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती, जो इसके अंदर जी वेरियंट है उसके अंदर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। इसी तरीके से आपके पास जो है मुख्तलिफ जो वेरियंट्स हैं उसमें माइनर मेजर चेंजेस के साथ आपको ये मिल जाती है। सबसे ज्यादा इसकी जो मतलब हैरान करने वाली माइलेज है वो डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि बैटरी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से और बैटरी की क्या जो है कंडीशन है उसके हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसकी जो मुझे ओनर ने बताया है वो तकरीबन 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर भी लॉन्ग रूट्स पे दे देती है। अच्छा, आप बात करते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में, तो स्पेयर पार्ट एज वी नो के जापानीज मॉडल के जो होते हैं वो महंगे होते हैं। इस गाड़ी के जो हमारे पास स्पेयर पार्ट है वो फ्रंट लाइट्स आपको तकरीबन 25,000-30,000 रुपए या 35,000 रुपए तक भी कॉस्ट कर सकती है। अच्छा, ये जो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपको जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उतने के ही मिले। इसके प्राइस, इसके पार्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं उनकी कंडीशन पे, ठीक है। अगर आप फ्रेश इम्पोर्ट करवाते हैं उस पर, अब अगर मिसाल के तौर पर जो काबली गाड़ियां होती हैं या जो दूसरी गाड़ियां कटती हैं उनके थोड़े से आपको सस्ते भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन इसकी जो बोनट है सिर्फ वो 45,000 रुपये का, और इसके जो साइड मिरर्स हैं वो तकरीबन 22,000-24,000 रुपये कॉस्ट कर जाते हैं। और ये अगर आप कराची में, आपको थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे। अगर आप जो है कराची में नहीं है और आप किसी और शहर में जा रहे हैं, वो फिर क्योंकि कराची में ही ये तकरीबन चीज़ें आती हैं बाहर से, तो आपको किसी और सिटी में तो मे बी आपको वहाँ से थोड़े से ज़्यादा मिले, लेकिन इनके कोई स्पेयर पार्ट थोड़े महंगे नहीं, बहुत महंगे, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, तो उसके हिसाब से माइनर मेजर चेंजेस आ सकते हैं। सो गाइज, ये थी टोयोटा एक्वा का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए।